गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे। मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक को और आगे की ओर बढ़ाएंगे। और बायोलॉजी में इससे पहले हम पढ़ रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजी में उसको पढ़ा था हमने, उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट थी वो आपका क्या था, न्यूरॉन्स या नर्व सेल हमने कहा था। एक नर्व सेल के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या बेसिक पार्ट हैं, उसके अंदर और सब पार्ट क्या क्या थे, ये सब हमने देखा। जैसे आपका क्या था, आप कहेंगे सर सेल बॉडी था, तो सेल बॉडी में एक तो क्या था, आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्या था, न्यूक्लियस। ऐसे ही हमने डेंड्राइट्स देखा था उसमें, ऐसे ही आपने एक्सोन देखा था, ऐसे ही नोड ऑफ क्या देखा था, आप कहेंगे सर रेनिवर, और ऐसे ही हमने एक्सोन का टर्मिनल पॉइंट, ये सारी चीजें हमने देखी। तो हम उसका जो स्ट्रक्चर था किस तरह से था वो सब हमने डायग्राम से समझा। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें आएंगी। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे सर ह्यूमन नर्वस, और यहां पे क्या लिख दिया, सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट है, क्या क्या, आप कहेंगे सर पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऐसे ही आपका होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। पहला तो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होगा, आप कहेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं आपसे यहां पर लिखूं क्या कि पहला तो हमने लिखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर हुई बात? ऐसे ही हम क्या लिख दें, आप कहेंगे सर दूसरा क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, ओके। ये तीन इसके पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो सब पार्ट है, यानी कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा आएगा, एक आप कहेंगे सर ब्रेन, और दूसरा नाम क्या आएगा, आप कहेंगे सर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। दूसरा आप कहेंगे सर जो ब्रेन है उसके तीन पार्ट है, यानी कि ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तीन। पहला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर फोर ब्रेन, ब्रेन का जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का एक दूसरा नाम और होता है, हम उसको बोलते हैं प्रोसेन सेफलॉन, क्लियर हुई बात, प्रोसेन सेफलॉन किसका है, आप कहेंगे सर फोर ब्रेन का। दूसरा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन का भी एक दूसरा नाम है और उसका नाम है मेसेन सेफलॉन, मेसेन सेफलॉन, क्लियर हुई बात। ऐसे ही आपका थर्ड जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का एक नाम और बोल सकते हैं आप, और उसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर रोम्बेन सेफलॉन,
क्लियर हो गई बात। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर द सब पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये इसके निकनेम है, प्रोसेंसेफलोन, मेसेंसेफलोन और आप इसको रोम्बियन सेफलोन भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो फोर ब्रेन को हम और पार्ट में डिवाइड करते हैं और फोर ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो आप कहेंगे सर कितने होंगे, दो। पहला नाम होता है जिसका हम बोलते हैं सेरेब्रम, पहला पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम। और दूसरा जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं डाइनसेफलोन, क्या बोलते हैं, डाइनसेफलोन। क्लियर हुई बात। सेरेब्रम का एक दूसरा नाम और होता है और हम उसको बोलते हैं टेलेन सेफलोन। डाइनसेफलोन के अंदर तीन फिर पार्ट आते हैं, ठीक है। पहला नाम आता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलेमस, क्या बोलते हैं, एपिथेलेमस। और ऐसे ही दूसरा नाम क्या आता है, सिर्फ थैलेमस। और ऐसे ही इसका नाम आता है आप बोलेंगे सर हाइपोथैलेमस। ये नाम आपने सुना होगा, हाइपोथैलेमस तो जरूर सुना होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। हमें जो भूख लगती है हंगर, या हमें जो प्यास लगती है थ्रस्ट, या जो हमें नींद की प्रॉब्लम है स्लीप, ये सारे फंक्शन किसके होंगे, हाइपोथैलेमस को। और देखेंगे कि इसकी पोजीशन डायग्राम में कहां पर होती है। पहले तो हम इसका एक डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं कि कौन सा पार्ट किसका है। जैसे हमने कहा कि फोर ब्रेन के तीन पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज सेरेब्रम और दूसरा नाम है डाइनसेफलोन। इसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और क्या आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया। क्लियर हुई बात। ध्यान रखिएगा मिड ब्रेन का कोई भी सब पार्ट नहीं होता, मिड ब्रेन का कोई भी सब पार्ट नहीं होता। और इसी तरह आपका हिंड ब्रेन का होता है और हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है। पहला नाम क्या आएगा, आप कहेंगे सर पोन्स, पहला पार्ट कौन सा है, पोन्स। दूसरा जो पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम, क्या बोलेंगे, सेरेबेलम। और तीसरा नाम आता है मेडुला ओब्लिगेटा, मेडुला ओब्लिगेटा। क्लियर हुई बात। तो ब्रेन, पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिया, उसमें हमने ब्रेन देखा, तो ब्रेन कितने पार्ट में था, तीन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये उसके दूसरे निकनेम है। आप कह सकते हैं फोर ब्रेन के फिर दो पार्ट आए, सेरेब्रम और उसको हम टेलेनसेफलोन भी कह सकते हैं। एक आपका डाइनसेफलोन होता है, उसके तीन पार्ट है एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट है पोन्स, सेरेबेलम और एक आपका क्या नाम है, मेडुला ओब्लिगेटा। क्लियर हो गई बात। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पेरिफेरल और ऑटोमेटिक को डिस्कस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको, इस चार्ट को ऐसे की ऐसे नोट भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा नोट्स। राइट डाउन किया। अब हम बात कर लेते हैं पहले ब्रेन की, तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर यहाँ पर छोटी छोटी जो बातें हैं वो रह जाती हैं, लेकिन हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बार आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए हम बात करते हैं पहले, देख ह्यूमन नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट थे। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था पेरिफेरल और तीसरा था ऑटोमेटिक। अगर मैं आपसे कहूं क्या कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि आपका इनमें से, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और अगर मैं कह दूं कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रेन। क्लियर हुई बात।
ब्रेन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज आल्सो मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो यहां पर हम बात करते हैं पहले ब्रेन की। देखिएगा यहां पे नाम आया नर्व, है ना, तो हम इसको पहले से थोड़ा सा लिखते हैं क्या कि सर जो नर्व है ना, नर्व आर टू टाइप्स, ध्यान से सुनिएगा, नर्व्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज, आप कहेंगे सर एक होता है क्रेनियल कैविटी और दूसरा वर्ड क्या है, आप कहेंगे सर दूसरा वर्ड है स्पाइनल कैविटी। क्लियर हो गई बात। नर्व आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज क्रेनियल कैविटी, सेकंड इज स्पाइनल कैविटी। और आप कहेंगे सर क्रेनियल कैविटी के जो नंबर हैं, वो जो नंबर हैं आपके वो केवल कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 12 पेयर्स होते हैं। और इसके जो नंबर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 31 पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो किस में होगी, स्पाइनल कैविटी में, और जो हमारा ब्रेन होता है वो किस में सिचुएटेड होता है, क्रैनिकल कैविटी में। तो हमारा जो ब्रेन है वो क्रैनिकल कैविटी के में जो अपनी बोन्स होती है हड्डियां उनके बीच में प्लेस होता है, रखा होता है। क्लियर हुई बात। क्रैनिकल कैविटी जिसके नंबर 12 हैं पेयर्स के फॉर्म में, उस में हड्डियों के बीच में क्या प्लेस होगा, आप कहेंगे सर ब्रेन प्लेस होगा। क्लियर हुई बात। तो ब्रेन किस में है, आप कहेंगे सर, यहां से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आप कहेंगे सर इन क्रैनियल कैविटी ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन बोन्स। हड्डियों के बीच में क्या होता है, आप कहेंगे सर हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन जो है वो हमारी तीन तरह की लेयर से मिलकर बना है। ब्रेन हमारा तीन तरह की लेयर से मिलकर बना है, और वो जो लेयर है वो कौन कौन सी है, पहला नाम होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा नाम होता है एराचोइड, और तीसरा नाम होता है आप कहेंगे पाया मैटर। क्लियर हुई बात। थ्री लेयर विच फॉर्म ब्रेन, फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर, सेकंड इज एराचोइड, और थर्ड इज आप कहेंगे सर पाया मैटर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस चीज को, क्या आप कह रहे हैं क्या कि सर थ्री लेयर आर फॉर्म ए ब्रेन। एक दिमाग को तीन लेयर बनाती है, और वो तीन लेयर कौन सी है, पहला आपने नाम लिया डायामेटर, दूसरा आपने क्या नाम लिया एराचोइड, और तीसरा आपने क्या नाम लिया पाया मैटर। क्लियर हो गई बात। ये तीन लेयर होती है जो हमारे ब्रेन को फॉर्मेशन करती है, बनाती है। दूसरा आप कह सकते हैं क्या कि सर देखिए ये तो हुआ आपका डायामेटर, और ऐसे नाम हो गया ये आपका एराचोइड। तो आप कहेंगे सर डायामेटर और एराचोइड के बीच में एक कैविटी है, ये रही वो कैविटी। क्लियर हुई बात। ऐसे ही एराचोइड और किसके बीच में, आप कहेंगे सर एराचोइड और किसके बीच में पाया मैटर, इनके बीच में भी एक कैविटी होती है, ये रही वो कैविटी। क्लियर हुई बात। इनके बीच में भी क्या है, कैविटी है। डायामेटर और एराचोइड के बीच में जो कैविटी होती है उसमें एक लिक्विड भरा होता है, और उस लिक्विड का नाम होता है आप कहेंगे सर सीरम लिक्विड। क्या नाम है, सीरम लिक्विड। क्लियर हुई बात। इज फिल्डेड, ये भरा हुआ है भाई, किस किस के बीच में, डायामेटर और एराचोइड के बीच में। और अगर ऐसे ही मैं कहता हूं क्या
कि सर जो आपका एराजोइड है वो और जो आपका पायामेटर है वो, इसके बीच में भी एक लिक्विड भरा है और उस लिक्विड का नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड। क्या नाम है उसका? आप कहेंगे सर सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड। क्लियर हुई बात? आप कहेंगे सर सीरम लिक्विड इज फिल्डेड बिटवीन डायामेटर एंड एराजोइड एंड सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड इज फिल्डेड बिटवीन एराजोइड एंड पायामेटर। ये वो लिक्विड होता है जो नर्वस सिस्टम को लगने वाले झटके से, ठीक है ना, लगने वाले, जैसे आपका गड्ढे में पैर जाए तो एकदम से जो झटका लगेगा उस झटके से हमारा कौन सा लिक्विड बताता है? सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड। किस किस के बीच में भरा होता है? एराचोइड और पायामेट्रिक के बीच में ये आपका भरा होता है। क्लियर हो गई बात? फिर से सुन लीजिए। आप कह रहे हैं सर क्रेनियल कैविटी के बीच में ब्रेन, जो कि हड्डियों के बीच में होता है, तीन लेयर ब्रेन को बनाती है, डायामेटर एराचोइड और पायामेटर। इनके बीच में ये जो कैविटी है उनके बीच में दो तरह का लिक्विड है, पहला है सीरम लिक्विड और दूसरा है सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड। इसका मेन फंक्शन यही है कि लगने वाले झटके को नर्वस सिस्टम को उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। दूसरी बात देखिएगा, क्या आप कहेंगे सर कि वेट ऑफ ब्रेन, अगर देखा जाए तो ब्रेन का जो वेट होता है वो जनरली कितना होगा? आप कहेंगे सर जो मेल होता है उसमें तो कितना होगा? 1400 ग्राम। आप चाहें तो इसको 1.4 kg भी लिख सकते हैं। और फीमेल में कितना होता है? आप कहेंगे सर, आप कितना कहेंगे? 1300 ग्राम। और 1300 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 1.3 kg। ये मेल में है, ये जर्नली किस में है भाई? फीमेल में। क्लियर हुई बात? लेकिन एक आपका साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन मेल होते हुए भी उसका जो ब्रेन का वेट था वो फीमेल से भी कम था, मतलब 1250 ग्राम का उसका क्या था? वेट था। किसका? ब्रेन का। क्लियर हुई बात? दूसरी बात देखिए, अगर मैं आपसे कहता क्या कि ब्रेन के कितने पार्ट है? तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन। तो हम कहेंगे सर ब्रेन के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। दूसरा कौन सा है भाई? आप कहेंगे सर जिसका नाम था फोर ब्रेन के बाद, आप कहेंगे सर मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट था? आप कहेंगे सर हिंड ब्रेन। हमने इसके नाम भी बताए थे, इसका नाम बताया था प्रोसेंसेफलोन, इसका नाम बताया था मेसेन सेफलोन और इसका नाम बताया था रोम्बेन सेफलोन। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात?